कोरोना महामारी से वर्तमान में पूरा देश लड़ रहा है। इसमें हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर मेडिकल स्टाफ की मुख्य भूमिका है, जिसे वे पूरी शिद्दत के साथ जान हथेली पर रखकर निभा रहे हैं। खरगोन जिला चिकित्सालय में कोरोना मरीजों की स्वास्थ्य सेवा कर रहे चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ का हौसला काबिले तारीफ है। कोरोना महामारी में अपनी जान को आम मरीजों की जिंदगियां बचाने के लिए दांव पर लगा रहे हैं हमारे जाबाज डॉक्टर, नर्सेस और मेडिकल टीम ने दिन रात सेवा की और यह सतत जारी है। आम मरीजों के परिजनों का गुस्सा शिकायतों के दरकिनार कर कोरोना से लड़ रहे हैं। अपनी जान किसे अजीज नहीं होती, लेकिन यह अपने कर्तव्यों के पीछे नहीं हटते। खरगोन जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को कोरोना के चंगुल से छुड़ाकर सकुशल घर पहुंचाना, यही उनका लक्ष्य है। जिला चिकित्सालय खरगोन में कोविड मरीजों का इलाज कर रही चिकित्सा टीम में शामिल डॉक्टर आशीष अवाया का कहना है कि एक चिकित्सा कर्मी के लिए अपने मरीज की सेवा उपचार ही उसका धर्म होता है। हम उसी को निभा रहे हैं। अपने परिवार की चिंताओं के बीच रोजाना कोविड सहित अन्य मरीजों का उपचार कर रहे हैं डॉक्टर आशीष अवाया, डॉक्टर लखन पाटीदार, डॉक्टर मयंक पाटीदार, डॉक्टर दिव्येश वर्मा सहित अनेक डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ है जिन पर हमें फख्र है। कोविड महामारी के खिलाफ आम जिंदगी बचा रहे हैं। यह फ्रंटलाइन वॉरियर ही देश के असली हीरो हैं। उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। कोरोना पेशेंट्स के बीच में जिला चिकित्सालय में वर्क करते हैं। जब घर से सुबह निकलते हैं, अपने परिजनों को छोड़ करके यहाँ सेवा के लिए आते हैं, क्या आपको ये डर महसूस नहीं होता कि कोरोना कभी आपको अपनी गिरफ्त में ले लें? डर तो हमें भी लगता है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम कोविड में जो महामारी फैल रही है, महामारी में हमको सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है। हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छे से अच्छे कर्म करें और जब पेशेंट कोविड से ठीक होकर उन अपने घर जाए, क्योंकि हमारा धर्म ही यह है कि हमारी सेवा कर्म ही पूजा है। हम इस चीज़ को समझते हैं और हम हमारी फैमिली की चिंता नहीं करते हैं, लेकिन डर तो हमें भी लगता है, क्योंकि हमारे माता पिता हमारे पीछे भी हमारे माता पिता को भी डर था कि कहीं हमारे बच्चे भी इस चपेट में ना आ जाए, लेकिन हमें कोई उसका कोई खेद नहीं है। हमारा धर्म ही यह है कि हम सेवा अच्छे से करें और करते रहेंगे। और सबसे बड़ी खुशी ये होती है जब कोविड से पेशेंट कोविड को हरा के स्वस्थ होकर घर जाता है, जब तब हमको सबसे बड़ी खुशी होती है। मेरा नाम रंजना खन्ना है। सर, इस समय जिला चिकित्सालय खरगोन में आप कोविड केयर को भी सेवाएं दे रहे हैं और अन्य दूसरे पेशेंट्स को भी देख रहे हैं, कोरोना की यहाँ पर मरीजों की क्या स्थिति है सर फिलहाल? कोरोना की मरीजों की स्थिति पिछले के मुकाबले अभी तो काफ़ी ठीक है। जो पहले सुविधाएं नहीं थी, पेशेंट की संख्या ज़्यादा थी, अब संख्या थोड़ी कम हुई है और सुधार भी हो रहा है। धीरे धीरे पेशेंट रिकवर होकर घर भी जा रहे हैं, तो रिकवरी रेट भी बढ़ा है। कोरोना का पेशेंट आपके यहाँ भर्ती हो रहा है, स्वस्थ हो रहे हैं, जा भी रहे हैं, और आज की स्थिति में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, सभी स्टाफ को एक भगवान की तरह देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जान का जो जोखिम है वो सभी के साथ है। बिल्कुल, आप भी यहाँ सुबह से निकलते होंगे हॉस्पिटल में आने के लिए, चेहरे पर तो परिवार वालों की खुशी होती है कि उनका बेटा या उनका पति भाई जो भी रिश्ते हैं वो एक सेवा के लिए जा रहा है मानवता की, लेकिन आँखों में एक तकलीफ होती है। तो आखिर आप जब घर से निकलते हैं तो मन में क्या विचार होते हैं उनके चेहरे देख के? नहीं, मन में तो एक ही विचार रहता है कि जितना लोगों की सेवा कर सकें उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी जो स्थिति है, अगर डॉक्टर्स या नर्सिंग स्टाफ या ये लोग नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। तो सेवा करना तो सबसे ज़रूरी है, और घर वालों का भी सोचते हैं कि जो भी रहेगा जैसा भी रहे नॉर्मली करते चलो, जितना फ़ायदा पेशेंट को होगा घर वाले भी उतना ही खुश रहते हैं। सर, मैं समझता हूँ कि आपके जो चिकित्सकीय कार्यकाल है उसमें ये पहली महामारी होगी जो काफ़ी विकट और भयानक है, तो इसको एक चिकित्सक के नाते किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, नॉर्मली जो पहले भी बीमारियां आती थी, लेकिन जितना परेशान कोरोना ने किया है, मतलब एक चैलेंज है, एक चैलेंज की तरह पिछले साल भी यही रूप था, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा गंभीर था, तो उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट लाइन और ये सब कुछ चलता रहता है। और जो चीज़ पिछली बार नहीं थी गंभीरता में, इस बार ज़्यादा रही पेशेंट यहाँ पर, लेकिन रिकवरी रेट अच्छा रहा। हॉस्पिटल के सभी स्टाफ ने, सभी जो भी कर्मचारी थे उनका साथ अच्छा रहा, तो पेशेंट रिकवर होके जा रहे हैं। सर, रिकवरी रेट हमारे यहाँ पर काफ़ी सुधर गया, पूरे मध्य प्रदेश में सुधर गया, और खरगोन में भी कल के बीते दिन जो है 81 81 आए,
जो हम 200 के ऊपर पहुंच गए थे, बिल्कुल इस स्थिति में जब हम संभलते जा रहे हैं तो आम जनता के लिए आपका क्या संदेश है कोरोना सुरक्षा को लेकर? जनता के लिए तो जो पहले भी संदेश था अभी फिर से वही है कि अभी भी घर में रहें, मास्क का उपयोग करें, वैक्सीन लगवाएं और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सर योर गुड नेम प्लीज़? डॉक्टर आशीष अवाया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।